साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि देव पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे, हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए, हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद, नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र है। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।